कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ब्लॉक अध्यक्ष और गांधीवादी विचारक ब्रिजेश सक्सेना के कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी जुटे हैं। उनके वार्ड से वीणा ब्रिजेश सक्सेना चुनावी मैदान में है। देखिए खबर। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता ब्रिजेश सक्सेना की पत्नी वीणा सक्सेना वार्ड 36 से दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है। वार्ड में वीणा ब्रिजेश सक्सेना की लहर चल रही है। कार्यालय का उद्घाटन होते ही चारों तरफ चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। हर एक मतदाता पर सादगी पसंद ब्रिजेश सक्सेना का नाम है। वार्ड की गली गली द्वार द्वार कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और मतदाताओं से आशीर्वाद प्राप्त करने के साथ ही क्षेत्र में जरूरी मुद्दों पर खास चर्चा कर रहे हैं। कार्यालय उद्घाटन के दौरान मुख्य रूप से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक नंदकिशोर पटेल, कांग्रेस जिलाध्यक्ष अजीत कांठेड़, अरविंद चोपड़ा, ब्रजेश मित्तल, जुगल अहिर सहित कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। वार्ड नंबर 36 की जिम्मेदारी सौंपी है, मैं बखूबी उसे निभाऊंगी और अगर वार्ड का समर्थन मुझे मिला तो वार्ड में बहुत विकास करूंगी। वैसे तो बघाना पूरा बिछड़ा हुआ क्षेत्र है, ना तो यहाँ मांगलिक भवन है, ना अस्पताल है, ना गार्डन है, सभी तरह से पिछड़ा हुआ है। इसलिए मुझे अवसर मिलते ही अगर जनता का विश्वास मिला तो मैं ज़रूर ही इसे आगे बढ़ाऊँगी और उन्नति। आज वार्ड नंबर 36 के कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर हमारे नीमच के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताजन उपस्थित थे, साथ ही इस वार्ड के जो भी वरिष्ठ हमारे कार्यकर्ता हैं और बुजुर्ग हैं उन सब का हमने यहाँ पर सम्मान किया और कार्यालय का उद्घाटन किया। अब हम वार्ड में संपर्क के लिए जा रहे हैं। इस वार्ड में अनेक समस्याएँ हैं, जैसे यहाँ पर गलियों में बराबर पाइपलाइन नहीं बिछी है, यहाँ ड्रेनेज की समस्या है, यहाँ साफ सफाई की समस्या है, कई जगह लाइटें नहीं जलती हैं, तो ये सारी समस्याएं हमें मालूम है और अगर जनता ने हमें वोट दिया, हमारे पे विश्वास किया तो हम निश्चित ही ये सारी समस्याएं दूर करेंगे। देखा गया कि सालों से भारतीय पार्टी 40 वार्डों में कब्जा रहा है, वार्डों को छोड़ दिया जाए, ऐसे में किस तरह से विकास से अच्छी तरह नीमच शहर, किस तरह से नगर पालिका का बोर्ड नगर कांग्रेस का बनेगा और किस तरह से विकास की गंगा बहेगी, कांग्रेस बोर्ड का बोर्ड बनता है। देखिए पिछले 7 साल से शहर में परिषद नहीं है, 5 साल तो उपचुनाव के बाद 2 साल प्रशासन में यहाँ पर रहा, 7 सालों में कोई विकास नहीं हुआ पूरे बघाने में। बघाने को तो एक तरह से इन्होंने अछूता मान रखा है। यहाँ पर हम रोड की बात करें तो यहाँ पर अंडर ब्रिज की आप मंडी से लेके अंडर ब्रिज तक आए वहाँ पर वो सड़क ही नहीं है। पूरे नीमच जिले में नगरीय चुनावों की शुरुआत हो गई है। भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव कराना चाहती नहीं थी, हर बार चुनाव टाल रही थी। इस बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों की वजह से पेच फंसा और ये चुनाव सामने आया। पूरे जिले की जनता इस बात की प्रतीक्षा कर रही है कि जितनी नगर परिषदें हैं और नगर पालिका है उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों का जो आतंक बना हुआ है और उनकी पिछले दरवाजे से जो सरकार चलाने की जो कोशिश हो रही है उस कोशिश को तुरंत बदला जाए। पूरे नीमच जिले में चाहे वो नगर पालिकाएँ हो चाहे नगर परिषद हो, एक बदलाव की लहर चल रही है। लोग नरेंद्र मोदी की सरकार से परेशान हैं, लोग शिवराज सिंह की सरकार से परेशान हैं और इस परेशानी की वजह से इस बार जो है बदलाव होना तय है नीमच जिले में। ख़ास तौर से नीमच जिले में पिछले 3-4 सालों से नीमच जिले की जनता जो है बहुत परेशान रही है और वो हर हालत में चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथों से उनका लीडर, उनकी जो लीडरशिप है वो छीनी जाए और कांग्रेस के लोगों के हाथों में दी जाए। कांग्रेस ने पिछले 3-4 सालों में नीमच की जनता के लिए लगातार आंदोलन किया, उनकी जन समस्याओं को उठाया और उनके कष्टों के साथ में अपने परिश्रम को साझा किया। आज उसका परिणाम जो है आने वाला है। आज का ये जो प्रसंग है, हमारे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष श्री ब्रजेश जी सक्सेना की धर्मपत्नी श्रीमती वीणा जी इस वार्ड से कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार है, उनके चुनाव कार्यालय का आज उद्घाटन होने जा रहा है।
श्री सक्सेना जी ने पिछले 5 सालों में नीमच शहर में प्रतिदिन जनता की सेवा करी है। वे गांधी भवन में 2-4 घंटे रोज देते हैं। उसके अलावा कांग्रेस का कोई भी ऐसा कार्यक्रम उन्होंने नहीं छोड़ा। लगातार आंदोलन उन्होंने किए, महंगाई को लेकर के आंदोलन किए, उन्होंने बंगला बगीचा की एरिया की समस्या को लेकर के आंदोलन किए, दलित वर्ग के सम्मान के लिए उन्होंने आंदोलन किए, महिलाओं के मान सम्मान के लिए उन्होंने आंदोलन किए। सार्वजनिक जीवन में जिन मूल्यों के लिए लड़ा जाना चाहिए, सक्सेना जी और उनका परिवार जो है हमेशा आगे रहा है।